व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज हम लोग गिल्ड रेड में कुछ ऐसा करने वाले जो हम कभी नहीं सोचे थे हम करेंगे, ठीक है। एक यूनाइटेड सेवन का कैरेक्टर बिना अपने BS या फिर SS3PG, बिना किसी स्टोन्स, बिना कोई स्पेशल कार्ड, मतलब जो बहुत खास खास कार्ड्स होते हैं उनके बिना भी यहाँ पर हम लोग अगर आखिरी वाला बॉक्स पा लें तो भाई क्या ही बात होगा हम लोग का, क्या बोलते हो। हम लोग यहाँ पे आज इस्तेमाल करें लियोना का और हम लोग देखें कि हम लोग क्या 408 मिलियन का डैमेज रीच कर पाएंगे। एंड स्पॉयलर्स अलर्ट कि हाँ हम लोग कर पाएंगे क्योंकि हम इसको ट्राई आउट किए हुए ऑलरेडी। अब बस आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब इसको जो बफ मिला ना यार, अब हम आर्ग्यूएबली बोलेंगे कि ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर है पूरा यूनाइटेड सेवंस में। हाँ, ओरोची ओमेगा रूल से भी ऊपर अभी के टाइम पे हम बोल रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। और अगर हम लोग स्टोन्स का बात करें तो स्टोन दिखा देंगे, कैप्सूल तो मैक्स आउट है। स्टैट्स में हम लोग कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को पता है कि हम लोग पास जब भी हम लोग पॉइजन एनिमी को अटैक करेंगे तो हम लोग हाई पावर मिलने वाला है। फिर हम लोग पास यहाँ पे दो जगह हम लोग को पॉइजन एक्सप्लोजन को मेंशन कर दिया गया है। बस चीज़ ये यहाँ पे एक चीज़ देखो कि आप लोगों के पास यहाँ पॉइजन डैमेज सिर्फ कूलडाउन 1 सेकंड पे है, तो आपके जो दोनों पॉइजन स्किल हैं इन दोनों को आप लोगों को एक साथ इस्तेमाल करना होगा ताकि आप लोग पॉइजन वहाँ पे अप्लाई करके रख सको। और जो छोटी चीज़ आप लोगों को अपना हाई पावर तो आप लोग ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप लोग अटैक नहीं करोगे, आप लोगों को सुपर पावर स्किल है उसको आप लोग यहीं पर इस्तेमाल करना होगा। बस एक चीज़ जो हमको थोड़ा सा कमी लगता है इस लियोना को लेकर वो ये है कि हम लोग पास यहाँ पर इंटरप्ट स्किल नहीं है। हाँ, यही एक प्रॉब्लम है छोटा सा कि हम लोग पास इंटरप्ट स्किल नहीं है, नहीं तो बाकी सब तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो चलो जो भी था आप लोगों को हम बता दिए और यहाँ पर हम लोग मार करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर कार्ड्स बात कर लें तो कार्ड्स में हम इसको यहाँ पर दिए हैं काया सेट कूला कुलान कार्ड, यहाँ पे उसका यूनिट सेवन से जो अवेलेबल 3PG है वो, और उसके ऊपर से यहाँ पर जो ये आप लोग बोलो भाई ये तो ट्रांसेंडेड कार्ड है, मगर एक बार देख लो ये बैलेंस टाइप फाइटर का शॉक डैमेज इंक्रीज कर रहा है। एंड गेस व्हाट, लियोना इज नाइदर अ बैलेंस टाइप नाइदर शी अप्लाई शॉक। और यहाँ पर एज अ लीडरशिप में हम लोग किसको लेकर जा रहे हैं, हम लोग की जो EX एंजल आई उसको, और वो इसलिए क्योंकि वो हम लोग को यहाँ पर कुछ को अच्छे अच्छे इफेक्ट दे रही कि जब भी हम लोग का HP 70% से ज़्यादा आएगा तो हम लोग का अटैक 15% इंक्रीज हो जाने वाला है, हम लोग का अटैक स्पीड 5% से और हम लोग का स्किल कूलडाउन भी 1 सेकंड से हो जाने वाला है। और यहाँ हम लोग पॉइजन भी थोड़ा डील करें, मगर हमको नहीं लगता हम लोग को इसका जरूरत पड़ने वाला है क्योंकि हम इसके बिना भी इसको एज अ स्ट्राइकर समन किए हुए भी हम ज़्यादा ही डैमेज रीच किए हुए। तो चलो, और हाँ यार, लीडर में हम पास लेडी चैंग होने वाली है, ये भी हम लोग की यूनाइटेड से हमेशा मौजूद रहती है। अब ये इसलिए क्योंकि हम लोग फीमेल फाइटर्स का अटैक 60% इंक्रीज कर देगी, तो हाँ यही है। अब चलो हम मार करना शुरू करते हैं। तो गाइज हियर वी आर, और हाँ थोड़ा सा एनिमेशन देख लो, थंबनेल बनाने के लिए हमको चाहिए। हाँ, आई एम सॉरी, चलो। अरे सेकंड स्किल मिस हो गया हम लोग पूरा, कोई बात नहीं। और हम आप लोग एक चीज रिकमेंड करेंगे कि आप लोग बस ऊपर के मीटर को देखना, हम लोग कितना सारा पॉइजन वहां पे अप्लाई करके रख रहे हैं। अब देखो डैमेज, और आप स्कोर से ज़्यादा स्कॉल इसलिए करें क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा है और ज़्यादा हिट भी कर रहा है, तो हाँ वही एक कारण है। पॉइजन देख रहे कितना अप्लाई हो रहा है ऊपर में, यार शील्ड गॉन। Come on, good. Raging Storm एक थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा दिक्कत है उससे हम लोग को। वापिस अब हम लोग स्पैमिंग शुरू कर देंगे। अरे हाँ, और एक छोटा दिक्कत ये है ना कि भाई SSBS कैरेक्टर्स को लेकर EX कैरेक्टर को लेकर चीज़ ये हो गया है कि उन लोगों के अवेकन स्किल इतने ज़्यादा देर तक चालू रहते हैं ना कि अब इसका बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है हमको। हाँ, ये चीज़ आप लोग एक पेक्यूलर चीज़ नोटिस करोगे, मगर यार हम एक चीज़ तो पक्का बोलेंगे ना
अगर इस गेम को कोई भी नया प्लेयर ज्वाइन करता है तो सबसे पहला कैरेक्टर अगर अब हम बिल्ड करने के लिए बोलेंगे तो वो लियोना ही होगी, क्योंकि भाई सीधे लेवल 7 के बॉक्सेस मिल रहे हैं यहाँ पर, और क्या चाहिए। अब एंजल के समन मत ही करो हम तो वही बोलेंगे कि भाई लियोना आप लोगों को काम कर दे रही है बिना स्टोन्स के। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर चल सकते हो कि अगर आप लोग उसको A3 पर लेकर जाओ और इसको अब खाली 2 स्टोन्स पर अगर दे के रखते हो तो होपफुली आप लोग तब भी इतना डैमेज तो रीच कर, या फिर 2 स्टार फिर 2 मैक्स आउट स्टोन्स के साथ आप लोग डैमेज डील कर सकते हो। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग पास कोई पॉइजन वाला स्टोन नहीं है, तो इसके लिए आप लोग हो सकता है इसको आप लोग या तो बर्न डैमेज या फिर जो फायर डैमेज वाला स्टोन है वही से आप लोग दोगे। थोड़ा लोग साइड चल जाते हैं, हाँ इसीलिए साइड आए थे। कम ऑन गीस, सामने आ जल्दी। ठीक है, अब हमको थोड़ा शंका हो रहा है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, मगर हमको थोड़ा भरोसा है कि हम लोग कर लेंगे। शिट, तो हम लोग 378 किए क्योंकि हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट किए इधर उधर। एक काम करते हैं हम लोग वापस से खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हम यहाँ पे 470 मिलियन का डैमेज रीच किए हुए हैं सेम बिल्ड पर, तो हाँ वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। चलो एक बार ट्राई करते हैं वापस से हम लोग। गाइज आई एम रियली सॉरी, मगर यहाँ पे हम लोग पास कीज नहीं है अब, मगर फिर भी हम आप लोग बोल रहे ना, आप लोग बात मान के रखो कि अगर आप लोग ऐसे ही लेकर जाओगे ना और ढंग से तो खेल लोगे तो आप लोग 408 मिलियन तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को हम करके नहीं दिखा पाए बता रहे हैं, मगर हमको कुछ खास खुशी नहीं है ऐसा बोलते हुए, ठीक, कि हम नहीं कर पाए ये चीज़। तो आप लोगों को बताओ कि आप लोगों को लियोना को लेकर क्या थॉट्स हैं, और क्या आप लोग सब अब लियोना के ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर बताना। और हाँ एक छोटा चीज़ कि हम अगला कुछ दिन तक थोड़ा ज़्यादा ही बिजी रहने वाले हैं, तो हम इसलिए कुछ कुछ वीडियोस पहले से प्लान करके आप लोगों के लिए स्केड्यूल करके रख दें, क्योंकि हो सकता है शायद हम उससे वीडियोस बिल्कुल भी ना बना पाएँ। तो और मेरा प्लान ये कि आप लोगों को जो आप लोग फेवरेट कैरेक्टर्स है उनका फैक्ट्स वीडियो या फिर लोर वीडियो हम बना के दें, तो आप लोगों को जितने भी फेवरेट कैरेक्टर्स जिनके बारे में आप लोगों को थोड़ा जानना है कि भाई कौन है ये, इसका क्या कहानी है, तो उन कैरेक्टर्स का नाम आप लोग नीचे कैरेक्टर को बता देना, तो हम उन सभी को बना कर रख देंगे आगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आगे कुछ दिन शायद, ठीक है, शायद हम वीडियोज़ ना बना पाएँ, और इसलिए हम आप लोगों को पहले से ही वो सब बना के आप लोगों के लिए रेडी करके रखना चाहते हैं, जिससे हम भली ना बना पाएंगे उस समय, मगर आप लोगों के लिए हम पहले ही प्रिपेयर कर रखे रहेंगे और आप लोगों का एंटरटेनमेंट चलते रहेगा। तो गाइस वीडियो को एंजॉय करो, लाइक मारो, जो भी आप लोगों को कैरेक्टर्स के वीडियोस चाहिए उन सभी कमेंट्स करो या फिर कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो कर डालो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।